हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 3 अगस्त 2020 के। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो से जुड़ सकें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है आपकी प्रिपरेशन के लिए। और सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी रक्षाबंधन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो पहली न्यूज़ देखते हैं। पहले हम सारी न्यूज़ देखेंगे और फिर फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे। तो पहली न्यूज़ है, KVIC ने ITBP को सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में जो खादी और ग्राम उद्योग है KVIC, इसने ITBP को सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ITBP सभी अर्धसैनिक बलों की ओर से प्रावधानों की खरीद के लिए गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक नोडल एजेंसी है। और ITBP जल्द ही 1200 क्विंटल उच्च गुणवत्ता की कच्ची घानी सरसों के तेल की आपूर्ति करने का आदेश देगा, जिसकी आपूर्ति KVIC द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इकाइयों के माध्यम से की जाएगी। यह ज्ञापन भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। हाल ही में गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भारत भर में CAPF कैंटीन के माध्यम से केवल स्वदेशी उत्पाद बेचना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि जो कैंटीन्स होती हैं CAPF की, तो वहाँ पर अब जितने भी जो उत्पाद हैं वो सिर्फ स्वदेशी उत्पाद ही वहाँ पर बेचे जाएंगे, उसको अनिवार्य कर दिया गया है। KVIC ने हाल ही में परीक्षण के लिए CRPF कैंटीन के लिए अन्य उत्पादों के बीच शहद, अचार, खाद्य तेल, अगरबत्ती, पापड़, आंवला, कैंडी और कपास तौलिए जैसे उत्पादों की आपूर्ति की थी। आगे चलते हैं, अगली न्यूज़ देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कार्यकारी बोर्ड के ब्यूरो की बैठक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजन किया और इसका जो बैठक की अध्यक्षता है, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना महामारी जैसी स्थिति से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर समय से पर्याप्त और समन्वित कार्रवाई की जरूरत है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने संचारी और गैर संचारी बीमारियां यानी कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के खतरे से निपटने के लिए सभी देशों से बड़े स्तर पर सहयोग का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों से वैश्विक स्तर पर सहयोग और समन्वय के बहुस्तरीय गठबंधन बनाने का भी अनुरोध किया है। तो मोटी मोटी बात यह है कि जो ये बैठक थी उसमें सारी जितनी भी कंट्रीज हैं उनको कहा कि भाई वैश्विक स्तर पे सब सहयोग करें ताकि जो ये बीमारियां हैं विभिन्न तरह की, इनसे निपटान जो है इसका किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन की हम बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और अभी इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, मैं कई बार बता चुकी हैं, वो है टेड्रोस एधनॉम घेब्रेयेसस। ये इसके जो है करंट डायरेक्टर जनरल है। आगे बढ़ते हैं, MyGOV.in मंच के द्वारा आत्मनिर्भर भारत लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की गई है। तो हाल ही में जो ये MyGOV.in का जो प्लेटफॉर्म है, इसने अपनी वेबसाइट पर आत्मनिर्भर भारत लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। यहाँ भारतीय नागरिक ऑनलाइन माध्यम से बिना किसी परेशानी के अपनी प्रविष्टियां पोस्ट कर सकते हैं। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को विशेष पहचान देने के लिए एक लोगो विकसित करने की योजना बनाई है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये लोगो देश के नागरिकों से प्राप्त रचनाशील और नई जानकारी पर आधारित होगा। सर्वश्रेष्ठ विजेता के रूप में चुने गए लोगों के लिए ₹25,000 का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। MyGOV पहल की हम बात करें तो हाल ही में इसके 6 वर्ष पूरे हुए थे, जो हमने न्यूज में पढ़ा भी था MyGOV पहल के बारे में। 26 जुलाई 2014 में नागरिक केंद्रित इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत लोगों को सरकार के साथ जोड़ने, सशक्त बनाने और देश में सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। तो जो गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट है, जो सुशासन की बात है, उसको प्रमोट करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, ज़्यादा भागीदारी को बढ़ाने के लिए MyGOV पहल स्टार्ट की गई।
ये उपयोगकर्ताओं को विभिन्न स्वरूपों में दस्तावेज अपलोड करने की भी अनुमति देता है और इस पे जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उससे रिलेटेड जानकारी भी रहती है। वेबसाइट को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा होस्ट और प्रबंधित किया गया है। ठीक है, तो जो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है तो उसके द्वारा जो है इसको वेबसाइट को जो है होस्ट और प्रबंधित किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय समूह ने आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करने और उच्च आयात प्रतिस्थापन को सक्षम करने हेतु फसलों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को बेहतर प्रदर्शन प्रोत्साहन देने की सिफारिश करने के लिए उच्च स्तरीय समूह की जो है स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? 15वें वित्त आयोग ने की थी। हाई लेवल जो है एक ग्रुप कमेटी जो है कमीशन जो है ये बनाया गया था और इसने कुछ कुछ अपनी सिफारिशें सौंपी हैं, जैसे कि मांग चलित दृष्टिकोण और 22 फसल मूल्य श्रृंखलाओं पर ध्यान देने की बात कही गई है। सभी हितधारकों से भागीदारी के साथ राज्य के नेतृत्व वाली निर्यात योजना का निर्माण, साथ ही निजी क्षेत्र के दिग्गजों को ड्राइविंग परिणामों और कृषि निर्यात परियोजनाओं के निष्पादन में एक एंकर की भूमिका निभाने का भी सुझाव दिया गया है। इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के बाद उत्पन्न अतिरिक्त निर्यात से देश में अनुमानित 7 से 10 मिलियन नौकरियां पैदा होंगी। तो यदि सिफारिश जो है इम्प्लीमेंट हो जाती है, रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो जाती हैं, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर नौकरी मिलेगी। साथ ही जो कृषि की उत्पादकता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, वो भी बढ़ेगी और जो इनकम है फार्मर्स की वो भी बढ़ेगी। आगे चलते हैं। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों का 6ठा सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संपन्न हुआ है। हाल ही में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों का 6ठा सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संपन्न हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो रूस के द्वारा की गई थी और इस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने टिकाऊ शहरी प्रबंधन, समुद्री कूड़े, वायु प्रदूषण और नदियों की सफाई से संबंधित क्षेत्रों में भारत द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में भी विस्तार से बताया। तो जो कहते हैं हम जो अर्बनाइजेशन है, तो सस्टेनेबल जो है सस्टेनेबल सिटीज बनाना, फिर जो समुद्री कूड़ा है, जो ओशन में जो वेस्ट है उसको मैनेज कैसे करने के लिए क्या क्या जो सरकार ने पहल ली है, फिर एयर पोल्यूशन के लिए, फिर नदियों की सफाई के लिए जैसे नमामि गंगे जैसी स्कीम है, तो ये सभी के बारे में जो है वहाँ पे डिस्कस किया गया। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2015 में भारत ने 10 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी शुरू की थी। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आपने पढ़ा भी होगा कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो उसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, ये मॉनिटर करने के लिए कि जो शहर है उसमें क्या क्वालिटी है एयर की। तो अगर एयर की क्वालिटी ज़्यादा खराब होती है तो रेड तक उसमें जो है कलर कोडिंग जाती है, और अगर अच्छी होती है तो उसका कलर कोडिंग दूसरे कलर का होता है, ग्रीन तक जो है वो अच्छी क्वालिटी एयर होती है। उसके बाद भारत ने वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका लक्ष्य 2024 तक 2017-18 के सापेक्ष 20 से 30% तक कण प्रदूषण को कम करना है। तो जो पार्टिकुलेट पोल्यूशन है, ठीक है, जो बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं उसकी वजह से जो प्रदूषण होता है उसको 20 से 30% जो है वो 2024 तक कम करना है विद कंपैरिजन टू 2017-18। तो इसके लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया था भारत के द्वारा। भारत जो है वो 2021 में ब्रिक्स का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। तो ब्रिक्स जो है 2021 में जो प्रेसिडेंटशिप है उसको एज्यूम करेगा ब्रिक्स की। ब्रिक्स की हम बात करें तो ये 5 प्रमुख उभरते देशों यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा बनाया गया एक समूह है। पहले ये 2006 में सिर्फ 4 देश थे इसमें तो इसका नाम ब्रिक था। उसके बाद 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ तो इसका नाम ब्रिक्स बन गया। यह देश का एक साथ मिलकर 42% जनसंख्या, 23% वैश्विक GDP, 30% भौगोलिक क्षेत्र और 18% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए कि ब्रिक्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जल्दी से बताइए ब्रिक्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड है। शंघाई, चाइना में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ISA ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों देशों को समूह में शामिल करने के उद्देश्य से रूपरेखा समझौते में
संशोधन किया है। तो जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है आईएसए का, उसमें जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, उसने कुछ चेंजेस किए हैं। इस संशोधन के अनुसमर्थन के बाद यानी कि जब ये इसमें अमेंडमेंट हो जाएगा और फिर अमेंडमेंट का रेटिफिकेशन हो जाएगा, तो संयुक्त राष्ट्र के वे सभी सदस्य देश भी अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो सकेंगे जो कि ट्रॉपिक से बाहर है। तो अभी क्या है कि ये मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये है 23.5 डिग्री साउथ। तो अभी क्या था कि जो देश या तो पूरी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में है या फिर पार्शियली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में है, वो ही जो है वो आईएसए के मेंबर्स बन सकते थे, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वो मेंबर्स बन सकते थे। लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को शामिल करने के लिए, इसको बड़े लेवल पे ले जाने के लिए अब इसमें संशोधन किया गया है। अब इसमें जो लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बाहर होंगे उनको भी इसमें शामिल किया जा सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था, और गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा के तीव्र और बड़े पैमाने पर उपयोग के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते के क्रियान्वयन में योगदान करना था। इस समूह में अब तक वे देश सदस्य हो सकते थे जो कर्क व मकर रेखा के बीच स्थित हों, जो कि जैसा कि मैंने अभी बताया है। आप मुझे फटाफट से ये भी कमेंट करके बताइए कि आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ है इंडिया में, जल्दी से बताइए, बहुत इजी है, जल्दी से बताइए कहाँ है। गुरुग्राम, गुरुग्राम हरियाणा में आईएसए का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। आगे चलते हैं हम लोग। अमेरिका ने चीन की शिनजियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्प्स और उसके दो अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। श्री पोम्पियो ने शिनजियांग में उयूर समुदाय पर गंभीर मानवाधिकारों के दुरुपयोग के कारण यह प्रतिबंध लगाए हैं। तो यहाँ पर दो जो लोग जो दो कम्युनिटीज हैं वो काफ़ी चर्चा में रहती हैं, एक तो रोहिंग्यास कम्युनिटी जो कि म्यांमार से जुड़ी हैं और दूसरी जो है वो उयर हैं, उइगर्स हैं, ये कहाँ से जुड़े हैं, ये चाइना से जुड़े हैं, ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं क्योंकि इनके साथ बहुत ही जो है दुर्व्यवहार होता है और इनके जो मानवाधिकार हैं उनका हनन होता है। इसके साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने दुनिया भर के देशों से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अपने ही नागरिकों के खिलाफ लगातार मानवाधिकारों के दुरुपयोग के लिए निंदा करने का आग्रह किया है। उइगर कौन है, ये एक तुर्क भाषी अल्पसंख्यक मुस्लिम समूह है, यह मध्य और पूर्वी एशिया के सामान्य क्षेत्र से सांस्कृतिक रूप से संबद्ध हैं। इन्हें उत्तर पश्चिमी चीन में शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र के मूल निवासी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये बेसिकली कौन से रीजन में रहते हैं, ये जो है इनको ये कहाँ के नेटिव हैं, ये जो जिनजियांग प्रोविंस है, कहाँ का जो ऑटोनोमस रीजन है जिनजियांग का, नॉर्थ वेस्ट चाइना में, ठीक है, वहां के ये जो है मूल निवासी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में एक जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का प्रारंभ किया गया है। तो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क सबसे सरल और प्रभावी साधन है, और इस धारणा को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश के एक जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का प्रारंभ किया गया है। ये जो अभियान है ये 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा, सारे जिलों में चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान लोगों को COVID-19 संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में बताया जाएगा। नगर निगम द्वारा इस थीम पर शहर में एक जन जागरूकता रथ भी चलाया जाएगा। इसके तहत मास्क बैंक की स्थापना भी की जाएगी और इस मास्क बैंक में दाताओं से मास्क एकत्र करके गरीब लोगों को मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। तो ऐसी ही एक स्कीम थी जो हमने पढ़ी थी, एक स्टेट था जिसने बोला था कि जितने भी उसके लोग हैं उनको फ्री मास्क स्कीम करके थी कि फ्री मास्क जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फटाफट से मुझे स्टेट का नाम बताइए, अभी कल ही परसों न्यूज में हमने पढ़ा था फ्री मास्क स्कीम कौन से स्टेट ने स्टार्ट की है, जल्दी से बताइए। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी फ्री मास्क की। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नितिन गडकरी ने बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया है। हाल ही में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया है। यह 5.5 किलोमीटर से अधिक लंबा
चार लेन पुल पटना और हाजीपुर के बीच NH-19 पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये NH-19 पर स्थित है। इसका निर्माण 1,442 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। पुल पर काम जून 2017 में शुरू किया गया था। इसमें पुराने पुल के मौजूदा कंक्रीट अधिरचना को नए स्टील डेक अधिरचना द्वारा बदल दिया गया है। तो यहाँ पे पहले जो कंक्रीट अधिरचना थी उसको नए स्टील डेक से रिप्लेस कर दिया गया है। मौजूदा ढांचे में सुधार के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने वाला ये पहला पुल है। साथ ही उन्होंने पटना में गंगा नदी पर एक नए पुल की भी घोषणा की है। तो यहाँ पर जो गंगा नदी है इस पर महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया गया था और साथ ही एक नए पुल की भी यहाँ पर घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में COVID-19 रोगियों के लिए कोविड रक्षा पहल का शुभारंभ किया गया है। तो बेंगलुरु में COVID-19 रोगियों के लिए कोविड रक्षा पहल का जो है शुभारंभ किया गया और ये वन स्टॉप डिजिटल समाधान पहल है। इससे बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्य की अगुवाई में शुरू किया गया है। इस पहल के द्वारा नागरिकों को COVID-19 लक्षणों की रिपोर्ट करने, परीक्षण करवाने और उपचार के लिए अस्पतालों में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आप यहां देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर। कोविड रक्षा पहल अस्पताल या कोविड देखभाल केंद्र में स्थानांतरित होने तक घर पर रोगियों को आपातकालीन देखभाल भी प्रदान करेगा। तो देखिए कितनी अच्छी पहल है ये। विशेषज्ञ डॉक्टर ऐसे लोगों की टोली या वीडियो परामर्श प्रदान करेंगे। तो जो ऐसे व्यक्ति होंगे जो जिनको आपातकालीन देखभाल की आवश्यकता है घर पर, तो उनको भी जो है दी जाएगी यहाँ पर देखभाल। और जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उन ऐसे लोगों को टेली कॉन्फ्रेंस या फिर वीडियो के परामर्श जो है वो देंगे। ठीक है। 10 से अधिक स्टार्टअप और 300 स्वयं सेवक सिस्टम का इसका संचालन करेंगे। ठीक है। तो 10 से अधिक स्टार्टअप और 300 स्वयं सेवक सिस्टम इसका संचालन करेंगे। अगली न्यूज देखते हैं। जून माह में 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों का उत्पादन 15% घट गया है। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, इस्पात, सीमेंट और बिजली के उत्पादन में गिरावट के कारण यह कमी आई है। जबकि जून 2019 की हम बात करें तो 8 प्रमुख क्षेत्र में 1.2% का विस्तार हुआ था। इस साल मई में सेक्टर के आउटपुट में 22% की कमी आई है। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निम्न क्षेत्र में गिरावट इस प्रकार है। कोयला क्षेत्र का उत्पादन 15.5% गिरा है। कच्चे तेल का उत्पादन 6% गिरा है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन 12% गिरा है। रिफाइनरी उत्पादों में 8.9% की गिरावट आई है। इस्पात क्षेत्र का उत्पादन 33.8% इसमें गिरावट आई है। सीमेंट क्षेत्र का उत्पादन 6.9% गिरा है और बिजली के उत्पादन में 11% की गिरावट आई है। तो जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है यानी कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसमें 8 कोर उद्योगों की हिस्सेदारी 40.27% होती है। और इसमें जो मुख्य जो उद्योग होते हैं जिनको 8 कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं उसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं सीसी फ्रेंड्स, यानी कि कोयला, सीमेंट, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस और कौन सा बचता है? स्टील। तो देखिए यहाँ पे सब हो गए। कोल, सीमेंट, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस एंड स्टील। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं शॉर्टकट से सीसी फ्रेंड से, कि भाई जो अगर 8 कोर इंडस्ट्रीज से प्रश्न आता है तो आप इसको आसानी से पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नासा ने मंगल पर प्राचीन जीवन के संकेतकों की तलाश करने के लिए मार्स रोवर परसीवरेंस लॉन्च किया है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है नासा, इसने मंगल पर प्राचीन जीवन के संकेतकों की तलाश करने के लिए मार्स रोवर परसीवरेंस लॉन्च किया है। यह रोवर अत्याधुनिक लैंडिंग तकनीक से लैस है और इसके अलावा इस रोवर में कई कैमरे और 2 माइक्रोफोन लगे हैं जो मंगल ग्रह की तस्वीरें और वहां की आवाज को रिकॉर्ड करेंगे।
इसमें लगे सुपर सेंसिटाइज्ड सैंपल रिटर्न ट्यूब्स चट्टानों से नमूने इकट्ठा करेंगे, जिससे मंगल पर प्राचीन काल में मानव जीवन होने का सबूत को ढूंढा जा सकेगा। यह रोवर मंगल पर मौजूद जेसरो क्रेटर के पास लैंडिंग का प्रयास करेगा। मंगल में एक अन्य क्रेटर गाले पर क्यूरियोसिटी रोवर जो है वो पहले से ही निगरानी कर रहा है। इसी के साथ नासा ने इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर भी मंगल ग्रह पर भेजा है। हाल ही में चीन और यूएई ने भी मंगल ग्रह पर अपने अपने मिशन भेजे हैं। तो यूएई के जो मिशन है जो मंगल पे गया है, फटाफट से उसका नाम बताइए, हमने पढ़ा था वो, क्या नाम था उस मिशन का? होप मिशन। और चीन ने जो भेजा है मार्स पे उसका क्या नाम है? वो भी न्यूज में था, वो भी हमने पढ़ा था, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। ध्यानवेन वन, ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई की जाती है, कहीं किसी चीज का जिक्र होता है तो उसको रिलेट करना चाहिए। तो चीन ने जो है वो त्यानवन जो है वो लॉन्च किया था, अपना मिशन भेजा था मार्स के लिए, और यूएई ने होप मिशन जो है वो भेजा था। होप मिशन जो है ये जापान से लॉन्च किया गया था, ठीक है। नासा के दो अन्य लैंडर भी मंगल पर चल रहे हैं, इसमें 2018 का इनसाइट, एक इनसाइट जो है, और 2012 का क्यूरियोसिटी रोवर जो है वो भी शामिल है। 6 अन्य अंतरिक्ष यान कक्षा से ग्रह की खोज कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका से 3, यूरोप से 2 और भारत का 1 यान है। तो भारत का कौन सा यान है? नाम से आपको याद आ जाएगा, मंगल यान, या इसको मॉम भी बोला था, मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा गया था। आगे चलते हैं, अब हम लोग सारे प्रश्न देख लेते हैं फटाफट, आप फटाफट से आपको जल्दी जल्दी आंसर्स बताने हैं, ठीक है, देर नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आंसर्स कर पाएंगे, और मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा कि किसके कितने आंसर सही हुए हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने आईटीबीपी को सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईटीबीपी सभी अर्धसैनिक बलों की ओर से प्रावधानों की खरीद के लिए गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट से सही आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक और दो, दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संपन्न हुई विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के ब्यूरो की बैठक की अध्यक्षता किस देश के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा की गई है? भारत, फ्रांस, चीन या फिर ब्रिटेन? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत। भारत से किसने इसकी अध्यक्षता की थी? हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या नाम है उनका? हर्षवर्धन। आगे चलते हैं, माई जीओवी पहल के संबंध में क्या सही नहीं है? ध्यान से पढ़िए, प्रश्न में पूछा गया है आपको बताना स्टेटमेंट कौन सी गलत है। हाल ही में MyGOV.in मंच ने अपनी वेबसाइट पर आत्मनिर्भर भारत लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। 26 जुलाई 2016 में इसका प्रारंभ किया गया था, यानी कि MyGOV पहल का प्रारंभ किया गया था। यह उपयोगकर्ताओं को विभिन्न स्वरूपों में दस्तावेज अपलोड करने की भी अनुमति देता है। वेबसाइट को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा होस्ट और प्रबंधित किया जाता है। जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 26 जुलाई 2016, क्योंकि ये जो है 2014 में प्रारंभ हुआ था और अभी 2020 में इसके 6 वर्ष पूरे हुए थे, हमने पढ़ा था न्यूज में। आगे चलते हैं, हाल ही में 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय समूह HLEG ने आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। HLEG ने इनमें से कौन सी सिफारिश की है? मांग चालित दृष्टिकोण और 22 फसल मूल्य श्रृंखलाओं पर ध्यान देना, सभी हितधारकों से भागीदारी के साथ राज्य के नेतृत्व वाली निर्यात योजना का निर्माण करना, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से बताइए क्या क्या सिफारिश दी थी, क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक और दो, दोनों। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष ब्रिक्स का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा? जल्दी से बताइए, 2022, 2023, 2021 या 2024? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2021। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने अपने रूपरेखा समझौते में संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसमर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र के केवल वे सदस्य देश अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो सकेंगे
जो कि ट्रॉपिक से बाहर स्थित हैं। तो आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए और फिर आंसर करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी केवल एक, क्योंकि इस संशोधन के द्वारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ट्रॉपिक से बाहर है वो शामिल होंगे, लेकिन उनके शामिल होने के लिए प्रावधान जरूर किया गया है, यानी कि अब जो कंट्री ट्रॉपिक्स के अंदर है और जो बाहर है दोनों ही इसमें शामिल हो सकते हैं एज अ मेंबर। आगे चलते हैं। उयर तर्कभाषी अल्पसंख्यक मुस्लिम समूह को किस देश के स्वायत्त क्षेत्र में मूल निवासी के रूप में मान्यता प्राप्त है? बहरीन, तुर्की, चीन या फिर कुवैत? बहुत ईजी है, काफी चर्चा में रहते हैं ये उयर कम्युनिटी। जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चीन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान किस राज्य में चलाया गया है? केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान किस राज्य में चलाया गया है? केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? बहुत इजी है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। हाल ही में किस नदी पर बने महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया गया है? जल्दी से बताइए, यमुना नदी, गंगा नदी, रावी नदी या ताप्ती नदी? महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरिजवे का कहां पर उद्घाटन किया गया है, किस नदी पर बना है ये? ये पटना में अभी इनॉग्रेट किया गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि गंगा। आगे चलते हैं। कोविड 19 रोगियों के लिए कोविड रक्षा पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता या फिर बेंगलुरु? जल्दी से बताइए कहाँ पर कोविड 19 रोगियों के लिए कोविड रक्षा पहल का शुभारंभ किया गया है, कौन सी सिटी में किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों में शामिल नहीं है? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रत्न और आभूषण। मैंने आपको तरीका बताया याद करने का, अभी गलत नहीं होना चाहिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि रत्न और आभूषण इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि सीसीसी फ्रेंड्स में कौन कौन सी है फिर से बता देती हूं मैं, सीमेंट, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस और स्टील, ये सारी इंडस्ट्रीज शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने मार्स रोवर परसिवरेंस लॉन्च किया है? अमेरिका, जापान, फ्रांस या फिर जर्मनी? फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। किस देश ने मार्स रोवर परसिवरेंस लॉन्च किया है? अमेरिका, जापान, फ्रांस या फिर जर्मनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, यानी कि अमेरिका ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो भी डेली करंट अफेयर्स हैं और उससे जुड़े प्रश्न हैं वो सब देख लिए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आप रोजाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।